नाहन के आस्था स्कूल में दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने व उत्पादों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आस्था सोसाइटी द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए की गई ये पहल काबिले तारीफ है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से दिव्यांग बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। नाहन के आस्था स्कूल में विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। दो दिवसीय प्रदर्शनी में आस्था स्कूल के दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें कैंडल, ग्रीटिंग कार्ड, गुलदस्ते व दिए जैसे कई उत्पाद शामिल है। बच्चों की कलाकारी देखकर हर कोई हैरान है। स्कूल की प्रिंसिपल कृतिका जोगटा ने बताया कि 2 महीने पहले से दिव्यांग छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मकसद यही है कि इन बच्चों की छुपी प्रतिभा को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों को बाजार में बेचा जाएगा और जो भी फंड आएगा वे इन्हीं बच्चों के उत्थान पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों को बेचने के लिए बकायदा स्टॉल लगाए जाएंगे। सर, एक्चुअली ये बच्चे जो है इनको महीने से ट्रेनिंग मिल रही होती है, सो हमारे यहाँ पे प्री वोकेशन के सर आते हैं तो वो इन बच्चों को सिखाते हैं, तो महीने से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले इनको जैसे आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स है, गुलदस्ते हैं, एंड देन यहाँ पे कैंडल्स है, बॉटल्स लगी हुई है, बुक मार्क्स लगे हुए हैं, एंड बहुत सारे इन्होंने थ्रेड यूज़ कर रखा है, पेंटिंग्स बना रखी है। तो इन सबको पहले सर ट्रेनिंग देंगे, एंड जब बच्चा माहिर हो जाता है उस आर्ट में, फिर वो बच्चा फाइनल लुक के लिए एंड फाइनल जो भी चीज प्रोडक्ट बना रहा है ये फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर पर्पस ये है कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का जो आर्ट है, इनकी कला है, वो बाहर निकालें, ताकि हम नाहन के क्या ऑल ओवर इंडिया के पब्लिक को दिखा सके कि इन बच्चों को मतलब कब नहीं है ये बच्चे किसी से। एंड सर हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपना आर्ट दिखाएं ताकि दूसरे भी बाहर से आके इनके आर्ट को प्रोत्साहित करें। तो हम सेल आउट करके वी वांट कि जो भी हमारे पास आता है, मनी आता है, जो भी डोनेशन आता है, वो इन्हीं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, इनके फ्यूचर के लिए हम उस मनी को रखते हैं। आस्था स्कूल के विशेष बच्चे भी उत्पाद बनाने और बेचने को लेकर बेहद उत्साहित है। बच्चों ने बताया कि उन्होंने इस बार त्योहारों के लिए अनेकों प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं, जिसे वे बाजार में बेचना चाहते हैं। मेरा नाम हर्षिता भट्टी है, मैं आस्था स्पेशल स्कूल नान से हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने खुद बनाई है। दिवाली के लिए कैंडल्स बनाए, कार्ड्स बनाए, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग भी बनाई है। हाँ जी, ये हमने पेंटिंग्स भी बनाई है। क्या क्या बनाई है? इन सबको सेल करें, बेचेंगे। आज हमारा जो लगा हुआ है एग्जीबिशन, उसमें हमने बड़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाई है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजा हमारे यहाँ पे मतलब 2 दिन का वो है एग्जीबिशन, और हमें सब बच्चों को पेंटिंग वगैरह सिखाई है वासी सर द्वारा, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। दिए मैंने रखे बहुत अच्छे, मोमबत्ती दिए, मोमबत्ती, निधि कार्ड बहुत अच्छा हमने बेच के। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।